पंजाब चंडीगढ़ से भारी मात्रा में ट्रक पर शराब इस क्षेत्र में लाई जा रही है, इसका खरीद बिक्री करने की योजना है। उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष राजकारी थानाध्यक्ष गोगरी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों का टीम गठन कर 207 गाड़ी पर अवैध ढंग से रखा गया शराब, जिसमें 150 ml का 288 बोतल, 750 ml का 1140 बोतल, एक मोबाइल तथा गाड़ी से संबंधित कागजात मिला। जो गाड़ी रूबी देवी के नाम से है, जो सेम की रहने वाली है, और उसका भाई मुरारी यादव, जो शराब का बहुत बड़ा कारोबारी है, जो वर्तमान में शराब के ही कांड में जेल में है, उनका बेटा प्रद्युमन कुमार और बीरो यादव के सहयोग से उक्त शराब को खपाने की योजना थी, जिसे पुलिस के मुस्तैदी के कारण छापामारी दल के द्वारा पकड़ा गया और वो शराब आपके सामने में है। किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई, हम लोग चिन्हित कर लिए हैं अपराधियों को, शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे।